हरियाणा चुनाव में पीएम मोदी की आखिरी रैली, पार्टी के 22 उम्मीदवारों के लिए मांगा वोट, इससे पहले कर चुके हैं 3 जनसभाएं। राहुल गांधी की हरियाणा विजय संकल्प यात्रा का दूसरा दिन बोले कांग्रेस नेता शेर, आरएसएस में दम नहीं, ये लोग मुझे देखकर छुप जाते हैं, मैं बीजेपी मोदी से नफरत नहीं करता। कि हिंदुस्तान और हरियाणा की सरकार 2-3 अरबपतियों की मदद करने के लिए चलाई जा रही है। नतीजा यह है कि जो भी पहले आपके पास रोजगार के रास्ते थे वो सारे के सारे। हरियाणा दौरे पर राहुल गांधी सोनीपत में बोले, बीजेपी सरकार में युवा विदेश भागने को मजबूर, रोजगार के सभी अवसर बंद। आपको बताता हूं, अग्निवीर हिंदुस्तान के जवान से उसकी पेंशन और उसका शहीद का दर्जा चोरी करने का तरीका है। ये योजना इसीलिए बन। सीएम सैनी ने असंग और गरौंडा में चुनावी रैली को किया संबोधित, कांग्रेस की विफलताओं को गिनाया, बीजेपी की कार्यशैली को बताते हुए जनता से वोट की अपील की। लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लेकर के हमने नई सरकार का गठन करना है। आज मैं पानीपत की सरदारी के बीच में ये आशीर्वाद लेने के लिए कमल के फूल और भारतीय जनता पार्टी और प्रमोद विजी के लिए आया हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है आप सबका आशीर्वाद ये 5 तारीख को भरपूर मिलेगा। नायब सिंह सैनी ने पानीपत की धरती से हुड्डा पर साधा निशाना, बोले हुड्डा के 10 साल पर मेरे 56 दिन भारी। को कहा, हुड्डा साहब आप 10 वर्ष हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं, आपने 10 वर्ष राज किया है, मैंने 56 दिन हरियाणा की सेवा की है, आपका 10 साल का शासन मेरे 56 दिन के शासन को आप तुलना करके देख लीजिए, ये 56 दिन का आपके 10। समालखा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जनसभा, धर्म सिंह छोकर के लिए वोट की अपील की, अशोक गहलोत ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। मैं पूरे हरियाणा में घूमकर आज समालखा में आया हूँ और यहां मैं कह रहा हूं कि पूरे प्रदेश में एक लहर चल रही है कांग्रेस की, हर जगह से एक ही आवाज आ रही है, कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है। 36 बरादरी ये फैसला। विधानसभा चुनावों पर बोली कुमारी शैलजा, कहा हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और ये सिर्फ राहुल गांधी की कोशिशों से हुआ है। सरकार तो कांग्रेस की बननी है, ये तो एक कंक्लूजन आप आज के दिन ले लीजिए, कोई ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं, लेकिन राजनीतिक रूप से सब मान सकते हैं इस बात को कि सरकार कांग्रेस की बननी। हरियाणा में बीजेपी ने 8 नेताओं को पार्टी से निकाला, वोटिंग से एक हफ्ते पहले एक्शन, सभी निर्दलीय लड़ रहे, इनमें 2 पूर्व मंत्री भी। वड्डा के करीबी कांग्रेस उम्मीदवार को झटका, हाईकोर्ट का आदेश, सरेंडर करें वरना पुलिस गिरफ्तार करके लाए, ईडी का केस चल रहा है। हरियाणा में फिर बढ़ी गर्मी, तापमान 1.2 डिग्री चढ़ गया, चरखी दादरी 24 घंटे में सबसे गर्म, 4 दिन तक बारिश की उम्मीद नहीं। चरखी दादरी में अभय चौटाला का हुड्डा पर तंज, बोले वो सत्ता में आने का ख्वाब देख रहे हैं, उनकी असली जगह जेल में। चरखी दादरी में जातीय समीकरण साधने में जुटी पार्टियां, गांव में कार्यक्रम कर रहे बड़े नेता, शहर कस्बे में नहीं हुई कोई बड़ी रैली। यूपी में जूनियर हाई स्कूल के प्रिंसिपल ने सुसाइड किया, स्कूल में फांसी लगाई, बीएसए और महिला टीचर से परेशान थे, 18 पन्नों में लिखा दर्ज। अमरोहा में खड़े ट्रक में पीछे से बाइक जा घुसी, 2 युवकों की मौके पर मौत हुई, बिजनौर लौट रहे थे दोनों। गाजीपुर पुलिस की महिला बीट प्रणाली होगी और मजबूत, महिला अपराध पर लगाम लगाने के लिए क्षेत्र में नियमित भ्रमण का निर्देश। गाजीपुर में कन्या जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन, महिला अस्पताल में केक काटकर मना 40 कन्याओं का जन्मदिन, माताओं को किया गया सम्मानित।